अबे तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों अब्बू, क्या हो गया? अबे रमजानों का चांद तो कब का नजर आ गया, तू अभी तक बंद नहीं हुआ? अब्बू कुछ तो शर्म कर लो, अपने औलाद को इब्लीस कह रहे हो? अबे इब्लीस तेरे आगे कुछ भी नहीं है, उल्टा इब्लीस को तुझे देख के आईडिया आते होंगे। अब्बू हर वक्त मुझे ही ताने मारते रहते हो। तो फिर उठ और चल तरावियों में मेरे साथ और वजू कर ले। अब्बू आप चलो, मैं आता हूँ पैदल पैदल। जल्दी है, हो जाए इसे हिदायत दे, इसकी तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी अरे शब्बो चल उठ, सैरी बनाने में मेरी मदद कर, मेरे अंदर आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत थक गई हूँ। फोन कर ले बंद कमीनी। जी अम्मी आती हूँ। शब्बो इस अली से भी हद है, इस लड़के से कितनी बार कह चुकी हूँ, जाके बाजार से सौदा लिया रमजानों का, लेकिन काम को सुनता ही नहीं ये लड़का। अम्मी अब्बू से मंगवा लो। तेरे अब्बू, अरे वो आदमी तो वैसे ही बहुत बड़ा निकम्मा है, और ये औलाद भी निकम्मी उस पर ही गई है। अम्मी कल मेरी पॉकेट मनी दे देना। अरे एक हफ्ता रुक जा बेटी, अब ईद आने ही वाली है, एक हफ्ता रह गया है, तो अपने मामू से ले लियो ईदी। मम्मी मामू कभी 100 रुपए से ज्यादा ईदी तो देते ही नहीं है, वो तो नया इतनी कंजूस है। चुप कर कंजूस मामू, अपने चाचू से ले लियो 1000 रुपए ईदी। मतलब तुम मेरी पॉकेट मनी हजम करना चाहती हो? हाँ चल ज्यादा बात है ना बना, और चल मेरे साथ शेरी के अंदर हाथ बटा ले, जल्दी आ। हाँ जानू पढ़ने जा रहा हूँ नमाज। क्या मतलब ईद के बाद बात होगी? तुम क्या शैतानों से रमजानों में बंद हो जाओगी? अली अली। जी अम्मी। किससे बात कर रहा है इस वक्त? वो मैं मौलवी साहब से बात कर रहा था, वो दीनी मसले समझा रहे थे ना, रमजान है ना। सब समझती हूँ तेरी हरकतें। मलिक होटल जा और जाके 100 रुपए की नहारी और 4 रोटी जल्दी से लेके आ। जी अम्मी। जल्दी गला बोले, वक्त कम है। ओहो यार बच गया, आज तो अम्मी बहुत सूखती। अरे ये क्या सहरी में आलू की कतली है? ओहो अरे बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, ये इब्लीस पना मत दिखाओ, सबर करो सबर खाओ। अरे सहरी में कुछ तो रहम करो बेगम, इसकी तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे खा लो, अली नारी रोटी लेने गया है। शब्बो जाके फिर इससे अपने अब्बू के चटनी ला के दे। जी अम्मी। बेटा शब्बो ये चाय गरम कर दो, कितनी बार समझाया है तुम लोगों को। अबे यार ये चाय शुरू में मत रखा करो, समझ में नहीं आता। अरे भाई चटनी तो दे दो। अम्मी कहाँ रखी है चटनी? ये तू मुझसे पूछ रही है? शर्म तो तुझे आती नहीं, जा जाके देख तूने रखी थी। आप खाओ, कितनी देर लगेगी। अरे चटनी को छोड़ो, मैं आलू की कतली खा लूंगा, कैसे खाऊं इन्हें। अबे सायरन हो गया क्या? हाँ हो गया। अभी तो मैंने नारी रोटी और पानी भी नहीं पिया। अबे पी ले पानी, बे कुछ नहीं होता, और मुझे भी ला के दे पानी, बहुत प्यास लग रही है, अभी तो टाइम है यार। पर अब अभी तो सहरी का टाइम खत्म भी हो गया। मैं कह रही हूँ ना, बे कुछ नहीं होता, ये हमारी मस्जिद के अंदर ना मौलाना जल्दी से कू कू कर देते। बे तू भी पी ले पानी और नारी रोटी भी खा ले। देखो जी मैं बताऊं, ये मौलाना लोग ना खुद तो खा लेते और फिर जल्दी से बजाते थे सायरन। अरे भाई किसी को सहरी खाने दो तो पहले से पहले बजा लेते। शर्म तो आती नहीं आपको? शर्म कैसी इसमें, इसकी तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पी लिया। अरे कुछ टाइम इस मोबाइल को रख के खुदा को भी याद कर ले, हर टाइम मोबाइल में घुसा देता। चल फजर की नमाज पढ़ने के लिए। जी अब्बू उठ रहा हूँ। अबे जल्दी उठ, इसकी तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बू मैंने तो पेस्ट भी नहीं किया है, अजान हो गई, अब मैं क्या करूँ? अबे यार के तो तू बिल्कुल सही दिया है, लेकिन तुझे का पेस्ट हल्ला के उतारना है। अब्बू मैंने सुना कि पेस्ट करने से रोजा टूट जाता है। हाँ तो ठीक है, बे पूरे घर के अंदर जो है ना जहरीली बदबू मत फैलाइयो, और मेरे पास तो बिल्कुल मत आइयो, और आ गया तो तेरी तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह ही कर दूंगा। अरे जाके कह दो अली से जोर का वक्त भी कजा हो रहा है, नहीं तो इसकी माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कर दूंगा। अरे उठाओ इस निकम्मे को,
उधर से आते में अब तैयारी का सामान भी लेता आएगा, नहीं तो खुद ही कह दोगे तुम, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह निकम्मा है कि तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे उसे तो रोजा लगा पड़ा है, उस पर कोई असर नहीं है। अरे उसने देर तक इबादत की है सुबह। अरे बेगम तुम बड़ी भोली हो, अरे इबादत इबादत कुछ ना कर रहा था, सुबह 8 बजे तक ना व्हाट्सएप पे लगा हुआ था, समझी? तो तुम क्या कर रहे थे सुबह 8 बजे तक व्हाट्सएप पर? तू या तो अपने बेटे को संभाल ले या अपने शोहर को, रोजे में ना मेरा दिमाग ना खराब कर, नहीं तो तेरी भी कर दूंगा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अली अली ले पानी पी ले। अम्मी क्या इफ्तार का वक्त हो गया? तुझे इफ्तार से क्या मतलब, वे असर और जोहर की नमाज तो तूने निकाल दी, फजर का कुछ पता ठिकाना नहीं है। अरे ऐसे फाकों की जरूरत क्या है, क्यों रखता है रोजे? अम्मी मुझे बहुत रोजा लग रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है मेरे। ये ड्रामेबाजी कम कर, नमाज को तैयार हो जा गुनेगार, चल नमाज को। अच्छा जा रहा हूँ अम्मी। अगर तू इसके बाद सोता हुआ या कुछ और करता हुआ व्हाट्सएप चलाता हुआ अगर दिखाई दे गया मुझे तो आज तेरी खैर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ नमाज को। चल यार अभी तो इफ्तारी में 3 घंटे बाकी हैं, भूख और प्यास की वजह से मेरी कहीं मौत ना हो जाए। ब्लीस के बच्चे कहीं और जाके नहीं ठूस सकता? आज भाई फ्रूटी पीने में बहुत मजा आ रहा है, टेस्टी है बहुत ही है, और चिप्स का तो लाजवाब बिल्कुल। तेरे बच्चे आज तू गया। सॉरी भाई अब नहीं करूंगा। गया तू तो आज। सॉरी भाई अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अली ये कैसा शोर मचा रखा है? अम्मी इसे अपने छोटे ब्लीस को समझा लो, मेरे सामने फ्रूटी और चिप्स खा रहा है। अरे अपनी उम्र तो देख और उसकी उम्र देख। अम्मी ये सबने छोटे ब्लीस को कुछ मत कहना। अरे बाजार जाओ और अख्तियारी का सामान ले आओ और मुझे परेशान मत करो। मम्मी देखो भाई ने रोजा तोड़ दिया। अम्मी याद नहीं रहा अब क्या करूं? जहन्नुम की तैयारी। हेलो हाँ कौन है बे? बिरो लगता है रोजा लग रहा तुझे। अबे दिमाग ना खराब कर। सुन आज रात जामा मस्जिद पे बिरयानी खाने चलेंगे, तो आ रहा है ना? अबे मैं नहीं आ रहा, मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, और ऊपर से अम्मी और अब्बू की कचर कचर और पैसे भी नहीं है। गरीब ने रोजा रखा और दिन लंबे हो रहा। क्या तू आ जा, खर्चा हम कर लेंगे। चल ठीक है मिलता हूँ अड्डे पे। अली ये तूने बेटा क्या हाल बना रखा है, जाके अपने हुलिये की डेंटिंग पेंटिंग करवा ले। मैं 10-20 रुपए में कुछ नहीं होता। तो एक काम कर, पैसे मुझसे ले ले और नाई के पास जा। लाओ तो फिर 1000 रुपए दे दो। किस बात के? अम्मी नाई दी मांगता है। नाई का तेरा फूफा लगता है, उससे बोल कुछ शर्म कर ले शर्म। ईदी देने की उम्र में ईदी मांग रहा है। जी अम्मी। मैं जा रही हूँ छब्बों के साथ बाजार, मुझे आने में देर हो जाएगी, तू खाना खा लियो, और दुपट्टा और मेहंदी मेहंदी में देर हो ही जाती है। अल्लाह। अरे बेगम ऐसा करना 2 बनियान और 2 नाड़े लेती आना, पिछली ईद पे भी ना मैंने गुलाबी नाड़े में ईद मनाई थी। अरे कम बोलो और मेरे साथ चलो, सामान कौन उठवाएगा निकम्मे आदमी। अरे शादी का की साला नौकरी बनकर रह गया इसकी तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो तो गाइस हमने वीडियो बनाई है स्टोरी ऑफ रमजान के नाम से, तो भाई इसका हमने पहला पार्ट भी आपको दिखाया, तो ये है इसका सेकंड पार्ट। रमजानों में अमूमन होता क्या क्या है, माँ बाप बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे नमाज पढ़ने जाते हैं और किस तरीके से बच्चे मानते नहीं है अपने माँ बाप की बात, तो इसके अंदर वही दिखाने की कोशिश करी गई है। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज स्किप ना करो, पूरा देखें तो भाई आपको बहुत ही पसंद आएगी ये वीडियो, और खास तौर से आपको मेरा वो डायलॉग इसकी तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई तो भाई टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।